खाल लगा दो ना सब ये देखो खाल वाला तो मेरा दादी ये मंदर मेरा ठीक है साथ खा ले जल्दी क्वेश्चन देन तो बताइए कोई अगर किसी ने कोई करना है बातचीत तो ये मीडिया वाला तो बताइएगा 15वीं बरसी के हवाले से पार्टी परचम सब लगू किया गया है क्या कहेंगे इस हवाले से और शोक का समय है आपका क्या पैगाम होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज शहीद नवाब अकबर खान बुगटी की 15वीं बरसी है और सारे कारकुनों को बताया गया है कि पुरअमन तरीके से इसको मनाया जाए इश्तियाल में कोई भी ना आए और किसी किस्म का भी कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिसको एक क्वेश्चन मार्क मनाया जाए और एहतराम से मनाया जाए उनके लिए कायद की बरसी है और बलूचिस्तान में आपके सामने है जो ये वाकया हुआ इसको साल साल मेरा ख्याल है सदियों में भी कोई नहीं भूलेगा नवाब साहब आप लोग के जो मुतालबात थे बुगटी माजरीन के बातकारी से मुतालिक और दीगर जो वो किस हद तक पूरे हुए देखिए पहले हमारी मुतालबात थे आप जानते हैं बलूचिस्तान में IDPs थे और बलूचिस्तान में उनकी वापसी थी मगर अभी मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि IDPs का इशू रिजॉल्व हो IDPs अपने घरों को लौट जाएं मिसिंग पर्सन का इशू वो रिजॉल्व हो और जो बाहर लोग बैठे हैं उन तमाम से भी बात की जाए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ग्वादर में ये बात की थी और ज़ाहिर है ये टास्क मैंडेट वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे दिया है और हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के रिपोर्ट्स बना रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह कौम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से खुशखबरी भी देंगे आपको जो खसूसी टास्क दिया गया है किस हद तक रबते हुए हैं और किस हद तक पेशरफ्त हुई है कितनी देखिए जहाँ तक रबतों के ताल्लुक हैं आप जानते हैं कि पहले भी रबते माजी की हकूमतों ने भी किए बट अनफॉर्चुनेटली वो डिसकनेक्ट हो गए तो हम उस तरह की किसी नाकामी का सामना नहीं करना चाहते और बिलखसूस वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि जो माजी में बातचीत का अमल बढ़ा और वो रुक ख़त्म हो गया तो हम चाहते हैं कि माजी की गलतियों को देखते हुए और उससे सीखते हुए हम उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं तो इस वजह से बातचीत के अमल को बढ़ाने से पहले हम ऑन ग्राउंड यहाँ एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसको हम फ़िलहाल नहीं बता सकते मगर हम ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट फ़िज़ा को हम पॉजिटिव बनाएँ कि जहाँ हमारे बातचीत अमल जो है बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके और हमें किसी नाकामी का सामना ना करना पड़े सर आप क्या जी आप क्या समझते हैं किस कितने अरसे ये प्रोसेस चलेगा देखिए ये कोई साला साल वाला प्रोसेस नहीं है इंशाल्लाह इस सर्दियों तक हम पर उम्मीद हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पे ख़िताब करेंगे और कौम को खुशखबरी देंगे और इस अमल को आगे बढ़ाएँगे